जरूर, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में बिल्कुल ये देखा गया है कि स्ट्रोक की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। स्ट्रोक इस वजह से ज़्यादा होता है कोविड में, क्योंकि जो बॉडी की इम्यूनिटी रहती है वो वायरस को रिएक्ट करती है और उस वजह से जो शरीर के ब्लड रहता है वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से जो नस रहती है वो चोक हो जाती है और नस चोक होने की वजह से अंदर में ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। साथ ही साथ में स्ट्रोक के साथ में हार्ट अटैक भी इसलिए ज़्यादा कॉमन पाया गया है कोविड के बाद में। तो ये कारण है उसमें कि स्ट्रोक की संख्या बढ़ गई है। स्ट्रोक होने के वजह से जो नस चोक होती है और जो नस ब्रेन को सप्लाई कर रही है, जो भाग को सप्लाई करती है, वो भाग उनका ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को सिम्टम डेवलप होते हैं। जैसे एक हाथ या दो एक साइड में पैरालिसिस होना, हाथ पैर ढीले पड़ जाना, बोलने में तकलीफ होना, बेहोशी में जाना, उल्टी होना, सिर दर्द होना, और ज़्यादा अगर सीरियस हो जाता है तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर शरीर ब्रेन के लेफ्ट साइड में अगर स्ट्रोक होता है तो पेशेंट बेड रिडन हो जाता है और बिस्तर पे रहता है, डिपेंडेंट रहता है। इसके कारण जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं उनको उसकी हरदम सेवा करना पड़ता है। ये एक उसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है जो स्ट्रोक के कारण होता है। जी, खासकर कोविड में प्रिकॉशन अपने को ये लेना है, अगर आपको कोविड हुआ है तो कोविड के समय और कोविड के बाद भी अपनी कुछ ब्लड टेस्ट करानी है, जैसे डी डाइमर हो गया, सीआरपी टेस्ट हो गया। अगर वो उसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए अपने को खून पतला करने की दवाइयाँ चालू रखना है, खासकर कोविड में, कोविड के 2-3 महीने बाद तक। जब वो नॉर्मल होता है तभी अपन वो दवाइयाँ धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। खून पतला करने की दवाई देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है। डेली के लाइफस्टाइल में आपने प्रिकॉशन लेना है, मास्क जरूर पहनना है, सैनिटाइजेशन बिल्कुल रेगुलरली यूज करना है आपको। किसी भी चीज़ को या किसी से भी आप मिलते हैं तो अपना हाथ को सैनिटाइज करते रहना है रेगुलरली, और अपने हाथों को चेहरे पे नहीं लगाना है। हॉस्पिटल में आने के डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सभी हॉस्पिटल कोविड के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। जैसे ही आप हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं तो आपको सैनिटाइजेशन दिया जाता है, सभी स्टाफ जो भी होता है वो पूरे मास्क पहनता है, और आप जब भी हॉस्पिटल में आते हैं तो मास्क जरूर पहनिए, दूर से बात करें, और किसी से भी आपको हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, और बार बार रेगुलरली अपना सैनिटाइजेशन करते रहना है। कोरोना के कारण जनरली ब्रेन पे असर जो होता है वो मेनली देखा जाता है कि स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस होता है। तो पैरालिसिस में जब सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है तो मरीज की जान बचाने के लिए हमको कभी कभी इमरजेंसी में ऑपरेशन करके शरीर के एक साइड की हड्डी को हटाना पड़ता है ताकि हम उसकी जान बचा सके। इस तरीके के हम लोग जनरली रेगुलरली हमने काफ़ी ऑपरेशन कोरोना के समय में किए हैं। अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है तो जो गोल्डन पीरियड बोला जाता है वो हमारा जनरली 3 से 4 घंटे का होता है। अगर मरीज अपने पास में 3 से 4 घंटे के अंदर ये लक्षण लेके आता है और उसका तुरंत तपास हो जाती है, सीटी स्कैन एमआरआई हो जाता है, तो अपन उसको पैरालिसिस से कम्प्लीटली बचा सकते हैं। उसमें एक इंजेक्शन देना पड़ता है, वो इंजेक्शन से पैरालिसिस पूरी तरह से रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर पेशेंट वो समय के बाद आता है तो उस समय के बाद में अपन पेशेंट का पैरालिसिस को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, और वो डिपेंड करता है कि ब्रेन की कौन सी नस चोक हुई है, कितनी बड़ी नस चोक हुई है। अगर छोटा सा स्ट्रोक होता है तो वो धीरे धीरे दवाइयों से रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर ब्रेन का एक मेजर पोर्शन अफेक्ट होता है या फिर ब्रेन का एक मुख्य भाग अफेक्ट होता है, ब्रेन स्टेम अगर इन्वॉल्व होता है तो पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है और जान भी जा सकती है। पैरालिसिस के बाद में सब कुछ डिपेंड करता है कि कितना ब्रेन का कौन सा भाग अफेक्ट हुआ है, कितनी मात्रा में, कितने परसेंटेज में ब्रेन अफेक्ट हुआ है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर छोटी सी ब्रेन की कोई नस चोक होती है और छोटा सा भाग अफेक्ट होता है तो पेशेंट पैरालिसिस से रिकवर कर जाता है, लेकिन अगर ब्रेन की कोई मुख्य नस चोक हो जाए और ब्रेन का काफ़ी सारा भाग अफेक्ट हो जाए तो पैरालिसिस होता है, जो यूजुअली 3 से 6 महीने में रिकवर करता है। 100% जरूरी नहीं है कि 100% रिकवर करे, जनरली देखा जाता है कि 70-80-90% तक वो रिकवर कर लेता है। हमारे पास में अभी जो पेशेंट आते हैं वो जनरली, क्योंकि मैं एक स्पाइन सर्जन भी हूँ तो स्पाइन के पेशेंट हमारे पास में फिलहाल अभी ज़्यादा आते हैं, खासकर कमर दर्द, गर्दन दर्द, हाथ में झुंझुनी, पैरों में झुंझुनी। और दूसरे जो ब्रेन के पेशेंट आते हैं वो सिर दर्द लेके आते हैं, उल्टी, चक्कर आना, ये उनके कॉमन लक्षण होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक से जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली
हाथ पैर मुंह तिरछा होना, अगर कोई ब्रेन का मेन भाग जैसे ब्रेन स्टेम में इफेक्ट हो जाए तो मरीज फिर सीधे बेहोशी की हालत में भी आ सकता है। जनमानस को सबसे पहले तो रोज ध्यान ये रखना है कि अपन ने सुबह उठ के कम आधी घंटा अपने वॉकिंग करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, है ना, कोलेस्ट्रॉल अपना कंट्रोल में रहना चाहिए, जिसके लिए अपन ने तेल अचार पापड़ ये सब चीज़ें काफ़ी कम मात्रा में लेना चाहिए, और अपना बीपी रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसने उसकी दवाइयाँ रेगुलर लेना चाहिए ताकि वो स्ट्रोक से बच सके। न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट यहाँ पर हमारे पास में सभी जो जो आवश्यक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, उसके बाद में हमारे पास में 3 पिन जो होता है, और उसके बाद में लैला रिट्रैक्टर जो होता है, और जो ओटी टेबल्स होते हैं, वो सभी हमारे पास में पूरी सुविधा यहाँ पर न्यूरो सर्जरी के लिए हमारे पास में उपलब्ध है। और हमारे पास में आईसीयू बैकअप है 20 बेड का, जिससे हम किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, खासकर न्यूरो सर्जरी का, किसी प्रकार का ऑपरेशन यहाँ कर सकते हैं। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए सबसे अच्छा यह होता है, आप सुबह, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि सुबह उठ के आपको वॉकिंग और एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छे से जाए, साथ ही साथ में आपने मेंटल एक्सरसाइज जैसे गेम्स हो गए, पजल्स वाले गेम्स हो गए, चेस हो गए, है ना, ये सब गेम्स आपने रेगुलरली खेलते रहना चाहिए और किताबें पढ़ते रहना चाहिए, और खासकर दूसरे लोगों से इंटरेक्शन बनाए रखना चाहिए, तो उससे आपका ब्रेन हरदम एक्टिव रहेगा, और आप जो अपने को आगे जाके बीमारियां दिखती है, खासकर पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, ये सब डिजीज से अपन काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ब्रेन के संबंध में दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी कंट्रोल में रखना एकदम आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस जो स्ट्रोक के होते हैं वो खासकर जिनके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होते हैं, हाई बीपी वाले मरीज जो होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, और जिनको तंबाकू सिगरेट पीने की आदत होती है, उनको सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से अपने को बच के रहना है, और ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मेरा खासकर ब्रेन संबंधित मैसेज है।